तो आई थिंक आज पैसे कमाना वैसे ही बहुत मुश्किल नहीं है, एंड मोस्ट लोग आपके जेनरेशन के मोस्ट लोग आई डोंट थिंक वो वैसे भी सिर्फ एक काम करेंगे, ये जनरेशन वो है जो चार पांच चीजें एक साथ करेगा। तो आप पैसे तो कहीं ना कहीं से कमाई लोगे, पर आप जो दिन के 18 घंटे काम करोगे वो काम अगर काम नहीं लगेगा तो पैसे कमाना और आसान हो जाएगा। कि अगर आप सब कुछ अपनी जिंदगी में एक इमेज बनाने के लिए कर रहे हैं तो उसका मतलब वो ऑथेंटिक नहीं है, वो सच्चाई नहीं है, क्योंकि सच्चाई आपकी आइडेंटिटी होती है, आपकी इमेज नहीं होती। इमेज वो होती है जो आप दूसरों को दिखाने के लिए बनाते हो, आइडेंटिटी वो होती है जो आप हो। सो इमोशनल इंटेलिजेंस के चार पहलू होते हैं। इवन बिफोर यू स्टार्ट लीडिंग एनीथिंग एल्स यू हैव टू लीड योर ओन सेल्फ बेटर। सो द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज सेल्फ लीडरशिप, योर डिसिप्लिन, योर सेल्फ अवेयरनेस, योर अबिलिटी टू रिमेन सेल्फ मोटिवेटेड, योर अबिलिटी टू ऑलवेज बी अ हे लर्नर। गाइस, आज हमारे साथ है विराज कलरा जी। वैसे तो इनका नाम ही काफी है बोलने के लिए, बट आई विल स्टिल मेक अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट हिम। ही इज अ वर्ल्ड रेनाउंड ट्रेनर, स्पीकर एंड कोच। ही इज ऑल्सो को फाउंडर ऑफ ओपन ब्रैकेट्स एंड व्हाइट लैडर कंसल्टिंग। और वैसे ही इज ऑल्सो रेटेड एज टॉप 20 लीडरशिप कोचेज ऑफ द कंट्री। सो वेलकम विराज। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया अपने शो पे, उससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है मेरे लिए। सो थैंक यू टू यू। विराज, अगर आपको मेरी दादी माँ पूछे कि ये विराज करता क्या है, तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट? सो आई थिंक मैं उनको कुछ इस तरीके से समझाऊंगा कि पुराने जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, और जब भी किसी को कुछ ऐसी शिक्षा की जरूरत होती थी जिसके लिए उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में वो सीख ना मिल पाए तो उसके लिए वो गुरुकुल जाया करते थे। और गुरुकुल हम ये सोचते हैं कि सिर्फ छोटे बालक और बालिकाओं के लिए था, बट फैक्ट इज कि गुरुकुल में आपके व्यापारी, आपके राजा महाराजा, आपके और गुरु भी जाया करते थे समय समय पर, टाइम टू टाइम, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को अपस्किल करने के लिए। तो आज की जो हमारी जिंदगी है इसमें गुरुकुल कम है, और है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, है, पर ज्यादातर माना जाता है कि शिक्षा की जरूरत एक स्टूडेंट को होती है, पर जो वर्किंग प्रोफेशनल है या जो एंटरप्रेन्योर है या कोई अपना कुछ काम शुरू करना चाहता है उस टाइम पे जो उनको गुरुकुल की जरूरत होती है वो कम मिलते हैं। तो आई थिंक मैं वो काम, वो जर्रा हूं या वो ब्रिज हूं जो वो अपस्किलिंग इन लोगों तक पहुंचा पाता है। तो शायद कुछ इस तरीके से आपकी दादी माँ को समझाऊंगा। आई थिंक उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। ही वुड शी वुड बी वेरी ईगर कि मेरे को भी सुनना है, मेरे को भी अपस्किल होना है। वेरी नाइस इंट्रोडक्शन विराज। विराज, टेल आवर लिसनर्स कि हाउ डिड यू गॉट इनटू दिस फील्ड? तो प्रतिका, अभी जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था गुरुकुल का, आई थिंक मेरे को भी कुछ उसी तरीके की कमियां महसूस हुई समटाइम अराउंड 2002-2003। मैंने अपना करियर ईयर 2000 में शुरू करा विद अ पीआर एजेंसी, सो मीडिया मार्केटिंग ब्रांड ये मेरी स्पेशलाइजेशन बनी। पर जब अराउंड 2003-2004 मुझे लगा कि मेरे को कुछ और भी करना है तो वो क्या हो सकता है कुछ और मैं उसको हासिल करने के लिए अपने आप को कैसे अपस्किल कर सकता हूँ, मेरी क्या खूबियां हैं, मेरी क्या खामियां हैं, मेरे को कोई एक ऐसा फीडबैक मिले या एक ऐसा रिकमेंडेशन मिले जो मेरे लिए कॉन्टेक्स्चुअल हो, क्योंकि जनरल ज्ञान तो वहां पे बहुत मिलता है पर वो ज्ञान जो आपके लिए सही मायने में कॉन्टेक्स्चुअल रहे उसकी मुझे उस टाइम पे बहुत कमी नजर आई। एंड मुझे बहुत सारे ऐसे अपने करियर में लोग मिले, कभी इन द फॉर्म ऑफ बॉसेस, कभी इन द फॉर्म ऑफ पीयर्स, कभी इन द फॉर्म ऑफ कोलीग्स, कभी इन द फॉर्म ऑफ क्लाइंट्स, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पर वो जर्नी रही 10 साल की, और मुझे ऐसा लगा कि वो जो 10 बड़ी सीख मुझे 10 साल में मिली, अगर वो पहले ही साल में मिल गई होती तो शायद वो जो 10 साल का करियर स्पैन था वो मच शॉर्टर होता और मेरी ग्रोथ मच फास्टर होती। सो वो गैप देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि अगर वो गैप मुझे महसूस होता है दिल्ली जैसे शहर में रहते हुए, तो जो लोग छोटे शहरों में हैं या छोटे कस्बों में हैं उन तक तो वो ज्ञान पहुंचना, वो कोचिंग पहुंचना, वो मेंटरिंग पहुंचना और ज्यादा मुश्किल है। तो वो सोचते हुए मैंने फिर सोचा कि क्यों ना खुद ही कोच और ट्रेनर बने,
एंड हुआ कुछ ऐसा कि वो कहते हैं ना, खुशकिस्मती होती है, जब आप कोई चीज करना चाहते हो तो पूरी कायनात आपको वो चीज में मदद करती है। तो जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था पीआर मीडिया मार्केटिंग में, उनका एक ट्रेनिंग डिवीजन भी था जहां पे वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग किया करते थे। तो वहां पे जो लीड ट्रेनर्स थे उनको मैं कभी कभी असिस्ट करता था, क्योंकि उनकी हम पीआर करते थे, उनकी हम मार्केटिंग करते थे, वो मेरी स्पेशलिटी थी। तो जब मैं उनके साथ इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में होता था तो कभी कभी होता था, क्योंकि आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज मे बी अबाउट 23 24 ईयर्स ओल्ड, तो उस टाइम पे ये होता है ना, अरे विराज तू अभी क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं, मेरे को असिस्ट कर दे। सो व्हेन आई स्टार्टेड असिस्टिंग सम ऑफ दीज ट्रेनर्स एंड कोचेस, मुझे ऐसा लगा कि एक तो मुझे काम बहुत पसंद आया, और जब मैं उनको असिस्ट कर रहा था उनको मेरा काम बहुत पसंद आया। तो ये दोनों तीनों चीजें एक साथ हुई, एक मुझे वो कमी अब नजर आई, दूसरा मुझे लगा कि इस कमी के बारे में कुछ करना चाहिए, तीसरा मेरी ही कंपनी में कुछ ट्रेनर्स ट्रेनिंग कर रहे थे। एंड देन फाइनली आई सेड टू माय बॉस के मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली करना चाहता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स पे, पब्लिक स्पीकिंग पे, और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को उसकी जरूरत थी। तो मैंने एक वो प्रोग्राम डेवलप किया, और जब मैंने पहली बार वो प्रोग्राम लॉन्च किया तो उस पर जो फीडबैक हमें मिला वो बहुत इनकरेजिंग था। उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि ये हो रहा था लगभग अबाउट 2005 2006 के आसपास। तो मुझे 4 साल लगे ये डिसाइड करने में कि करियर में शिफ्ट भी करना है और एंटरप्रेन्योर बन के करना है। तो इस राइट. तरीके से कुछ शुरुआत हुई मेरे कोचिंग और ट्रेनिंग जर्नी की। ओके विराज, जैसे आपने बोला कि आपने ये कुछ सालों तक किया, आपने किसी के अंडर भी किया और खुद भी आपने अपने एक प्रोग्राम बनाया, उसको टेस्ट किया, फिर ये डिसीजन लिया कि एंड यू टुक 4 इयर्स टू मेक द डिसीजन कि हाँ अब मैं जॉब छोड़ के. सो लाइक अ कॉमन पर्सन, अ कॉमन मैन हु इज डूइंग अ जॉब राइट नाउ एंड वॉन्ट्स टू परस्यू समथिंग, एंड कुछ और करना चाह रहा है, बहुत इंटरेस्ट है, सो वॉट शुड बी द राइट टाइम टू डिसाइड कि हाँ अब आई कैन शिफ्ट. तो प्रतीका, आप देखें तो मेरे जो दोनों अभी तक के जवाब हैं उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपको एक बात बोलता हूं कि मुझे 4 साल लगे डिसाइड करने में कि मुझे ये फुल टाइम करना है और एज एन एंटरप्रेन्योर करना है, क्योंकि मेरे आसपास मुझे वो कोचेज वो मेंटोर्स नहीं नजर आए जो मुझे कॉन्फिडेंस दिला पाते कि जो आप 4 साल बाद करने वाले हो आप आज से 4 महीने में कर सकते हो या 4 हफ्ते में कर सकते हो। आई थिंक आज इतने रिनाउंड कोचेज मेंटोर्स ट्रेनर्स अब इंडिया में अवेलेबल हैं कि अगर आप कुछ नया करना चाहते हो और आपको अगर उसमें हिचक है या उसके लिए आपको कुछ और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ अपस्किलिंग चाहिए, तो आप सबसे पहली चीज से करोगे कि आप सर्च करोगे कि कौन वो ट्रेनर और कोच है जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे दूसरे पार ले जा सकता है। सो आई थिंक हायरिंग अ कोच एंड अ ट्रेनर टुडे इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ इंश्योरिंग, आई थिंक वो एक सबसे सरल तरीका है अपने आप को लॉन्च करने का। तो ये पहली चीज मैं जरूर करूंगा कि अगर आपने सोचा है कि आप कुछ करना चाहते हो, कुछ ठाना है कि आप करना चाहते हो, तो आपका जो भी प्रोफेशन है उसमें आपका आपको अपने आप को लॉन्च करने के लिए एक स्पेशलिस्ट कोच और ट्रेनर ढूंढे जो आपको दूसरे पार ले जा सके। ओके. सिंस आल्सो इसी से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो अभी बहुत सारे कोचेज हैं. लाइक बिल्कुल इफ इफ यू जस्ट सर्च फॉर अ टॉपिक, यू विल स्टार्ट गेटिंग एड्स फॉर कोर्सेज एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा है, तो ही हाउ डू पीपल डिफरेंशिएट? क्या ये टेस्ट करते करते होगा कि दो चार कोर्सेज खरीदो, धीरे धीरे समझ में आएगा, और इज देयर अ ट्रिक टू? आई थिंक ये इंडिया में ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी देशों में ऐसा नहीं होता, पर इंडिया में ज्यादा हमारे को ना भेड़ चाल बहुत जल्दी होती है। अगर 5 लोग कुछ कर रहे हैं तो कुछ ठीक ही कर रहे होंगे, हम भी कर लेते हैं। तो ये जो कोर्सेस करने की और सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने की, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एनरोल करने की एक भेड़ चाल शुरू हुई है, आई थिंक पहले पहला तो हमको उसे थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा। आप अगर देखेंगे, और मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे अच्छे कोचेज और ट्रेनर्स नहीं है, पर जो हाईली एडवर्टाइज कोचेज और ट्रेनर्स स्पेशली जो अभी सोशल मीडिया पे हैं, बहुत सारे उनमें से इन्फ्लुएंसर्स हैं, आई थिंक ये जानना जरूरी है कि उन्होंने खुद कितने एक्सपीरियंस के साथ कितने लोगों की मदद असली में करी, और उनके जो क्लाइंट्स रहे हैं, उनके जो कस्टमर्स रहे हैं, उनके जो स्टूडेंट्स रहे हैं, वो कितने खुद सक्सेसफुल हो पाए। तो एक अच्छा एड दे के एनरोल ना करें, उसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करें कि इस कोच का बैकग्राउंड क्या है, कितने साल से कोचिंग और ट्रेनिंग कर रहे हैं। कभी कभी होता है आप एक कोच और ट्रेनर का एड देखते हैं जिसमें बोलते हैं कि मैंने अपना बिजनेस एक्स से 100x बनाया,
तो अब मैं आपको भी सिखाऊंगा कि आप ये कैसा कर सकते हैं, या कि मैं पिछले 20 साल से कोचिंग और ट्रेनिंग कर रहा हूं तो मेरे को कोचिंग और ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। आई थिंक अ गुड कोच टुडे शुड बी समबडी हु हैज बोथ दीज कमिंग टुगेदर, कि आपके पास कोचिंग और ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस, क्योंकि बिजनेस का एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है कि आपको एक अच्छा कोच और ट्रेनर बनाएगा, राइट राइट और अच्छा कोच और ट्रेनर होना सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा बिजनेस सिखा पाएगा। राइट वो कोच और ट्रेनर जिसको कोचिंग और ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस भी है और अपने बिजनेसेस को सक्सेसफुल बनाने का एक्सपीरियंस भी है, वो कोच ढूंढना जरूरी है। एंड वो कोच जो एक साथ 50,000 लोगों को एक जूम कॉल पे ट्रेनिंग ना दे रहा हो, बट जो आपको वन ऑन वन टाइम दे पाए, यू राइट आई नो। टोटली अग्री विद दैट। तो विराज, अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग में आज के डेट में जाना चाहता है, सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप्स फॉर देम? आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज टू टेक द फर्स्ट स्टेप। मैंने बहुत बार ये देखा है कि स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग को लेके बहुत लोगों को बहुत हिचक होती है कि कैसे होगा, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, लोग क्या सोचेंगे, मेरे से गलती हो गई तो क्या होगा, मुझे पता है कि मेरी इंग्लिश वीक है या मेरी हिंदी वीक है, मैं लोगों के सामने नर्वस हो जाता हूँ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अपने आप को बताना पड़ेगा कि जब तक आप पहला स्टेप नहीं लेंगे तब तक इनमें से कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होंगी। इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा। लेना सो पड़ेगा। द फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड टू टेक द फर्स्ट स्टेप। एंड आई थिंक द सेकेंड स्टेप देन इज टू एनरोल विद द राइट काइंड ऑफ कोर्स एंड प्रोग्राम। एंड कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग जादू की छड़ी नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं 15 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में। आई थिंक ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। 15 दिन और 2-3 महीने में दो चीजें हो सकती हैं, और अगर वो दो ब्रेक थ्रू भी हो गए तो भी बहुत है। एक ब्रेक थ्रू तो ये है कि आप ये समझ पाओ कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। तो 15 दिन में अगर आपको एक कॉन्फिडेंस कोई दिला पाए तो वो एक बहुत बड़ा टिक मार्क है। दूसरा टिक मार्क ये है कि बहुत बार पब्लिक स्पीकिंग हमें ऐसा लगता है कि बोलता तो मैं अच्छा हूं, ये भी कर सकता हूं, बट आपके जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स वो वीकनेसेस हैं जिनको आप खुद नहीं देख पाते, इसलिए उन्हें ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। तो आपको हो सकता है लगता हो कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, पर जब तक कोई एक स्पेशलिस्ट आपको ये फीडबैक ना दे कि ये 2-3 चीजें हैं जिसमें आपको थोड़ा सा चेंज लाना है या जिनको आपको थोड़ा सा डायरेक्शन बदलना है, हो सकता है आपके बोलने के लहजे को लेकर हो या आपके बॉडी लैंग्वेज को लेकर हो, पर वो स्पेसिफिक फीडबैक अगर आपको मिल जाए जो कि 2-3 महीने में मिलना और उस पर इम्प्रूव करना आसान है, तो ये ब्रेक थ्रू भी हो जाए तो बहुत है। बाकी पूरी जो गेम है वो प्रैक्टिस की है। मैं ये बहुत बार बोलता हूँ अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में और बहुत सारे सेशंस में कि पब्लिक स्पीकिंग इज अ लॉट लाइक प्लेइंग अ स्पोर्ट। एक खेल को खेलने की तरह है पब्लिक स्पीकिंग। आप जितना खेलोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और उतना आप उसको उम्दा खेल पाओगे। तो अगर आपको उम्दा कोई भी खेल खेलना है पब्लिक स्पीकिंग को मिलाकर भी, तो प्रैक्टिस फाइनली इज व्हाट इट इज। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी इंप्रूव करोगे। तो कोच ट्रेनर आपको शुरुआत दे सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं, आपको फीडबैक दे सकते हैं, आपकी खूबियां और खामियां याद दिला सकते हैं, उसके बाद सारी गेम प्रैक्टिस की है। क्योंकि विराज, अगर एक बार प्रैक्टिस होना शुरू हो जाए तब तो फिर वी विल ऑल्सो गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू टॉक। बट जब वन अ पर्सन इज बिगिनिंग, हाउ द पर्सन विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज कि उसका प्रैक्टिस बढ़े? तो 2-3 चीजें हैं आजकल जो बहुत हो रही हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से हो रही हैं। मैं क्योंकि किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाहता इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, पर देर आर दीज टू कम्युनिटीज ऑनलाइन। अगर आप सर्च करें पब्लिक स्पीकिंग वॉलेंटरी कम्युनिटी, अगर आप इन इन वर्ड्स को गूगल सर्च में डालें, पब्लिक स्पीकिंग वॉलेंटरी कम्युनिटी, सो देर आर दीज 2 और 3 कम्युनिटीज दैट शो अप जिनके चैप्टर्स पूरी दुनिया में है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में GK1 में रहता हूँ, तो अगर मैं दिल्ली में सर्च करूँ तो मुझे इनकी मेन कम्युनिटी का वेबसाइट मिलता है, उसमें मैं जाके चूज कर सकता हूँ कि GK1 के पास चैप्टर कौन सा है, और उनके इतने चैप्टर हैं पूरे इंडिया में, एंड इंडिया में भी अब तक वो सारे मेट्रो और सारे सेकेंड मेट्रोज कवर कर चुके हैं, एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू स्मॉलर टाउन एंड सिटीज नाउ। तो लगभग उनके 5,000 एक्टिव चैप्टर्स हैं इंडिया में। इन कम्युनिटीज में होता यह है कि संडे के संडे आप ऑनलाइन मिलते हैं या ऑफलाइन मिलते हैं, वो आप चूज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, आप
ऐसे शहर में हो सकते हैं, ऐसे नेबरहुड में हो सकते हैं जहां आपको नहीं मिले पास, या आपके पास कहीं जाने का टाइम ना हो, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। संडे टू संडे आप मिलते हैं, 2 घंटे का ये सेशन होता है जिसमें हर वो इंसान जो लॉग इन करता है उसको एक बोलने का मौका दिया जाता है। वो डिबेट का टॉपिक या तो पहले से आपको दिया जाएगा, उस एक्सटेम्पोर का टॉपिक या तो आपको ऑन स्पॉट दिया जाएगा। तो अलग अलग तरीके से आपको पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस कराते हैं और आपको वहीं उसी टाइम पे एक्सपर्ट से फीडबैक मिलता है, एंड यू एंड अप पेइंग वाइल इट इज अ वॉलंटरी कम्युनिटी, बट इसको चलाने के लिए ऑब्वियसली दे नीड सम फीस, बट फीस इज एज लो एज समथिंग लाइक 500-700 रुपीज अ मंथ, ना राइट? एनीबडी कैन ज्वाइन इट एब्सोल्युटली, या एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। मतलब वहां पे जनरली एक चैप्टर में, एक सेशन में 20-25 लोग होते हैं, जिसमें से 15 से 20 लोग वो होते हैं जो अपना पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, अपना पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एंड 4-5 एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इट्स अ स्मॉल ग्रुप, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको अलग अलग मुद्दों पे बात करने का मौका मिलता है। आप अगर बोलेंगे देखिए मैं आगे चल के ट्रेनर या कोच बनना चाहता हूँ, या मैं आगे चल के स्टार्टअप के लिए पिच प्रेजेंटेशंस बनाना चाहता हूँ, मेरा अपना स्टार्टअप है जिसके लिए मुझे पिच प्रेजेंटेशंस बनानी है, तो वो उन्हीं मुद्दों को लेके फिर आपको और अपॉर्चुनिटी देते हैं प्रैक्टिस करने की। तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? इट्स वेरी नाइस, आई नेवर हर्ड अबाउट इट, थैंक यू सो मच, आई थिंक इवन द लिसनर्स विल बी वेरी हेल्पफुल, मोस्ट बहुत पब्लिक स्पीकिंग कोचेस एंड ट्रेनर्स ये आपको कभी नहीं बताएंगे क्योंकि उनका बिजनेस खत्म होएगा ना अगर वो ये बताएंगे तो। टोस्ट मास्टर वगैरह का तो सबका सुना हुआ है. सो या सो कम्युनिटी इज लाइक टोस्ट, टोस्ट मास्टर इज वन ऑफ देम, बट टोस्ट मास्टर स्टिल अ लिटिल बिट मोर प्रीमियम, एंड आई थिंक उनका फोकस अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अगेन आई डोंट वांट टू टेक ब्रांड नेम्स, बट विद द सेम सर्च वर्ड्स आपको एक दो और मिलेंगे जो अब ज्यादा एक्टिव भी हैं और ज्यादा फोकस्ड भी हैं। ओके, अदर देन ज्वाइनिंग द ग्रुप्स एज यू सेड, क्या लोगों को कुछ कोल्ड ईमेल्स भी करने चाहिए इन द बिगनिंग, बिकॉज पीपल डोंट नो इफ यू आर यू नो दैट फेमस और यू आर नॉट गुड इनफ फॉर वट एवर, शुड बी यू पीपल सी फॉर पिच. पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज। यस तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो थे कि आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। जी जी पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज की जहां तक बात है प्रतिका, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि जैसे हमारा कंसोर्शियम है ओपन ब्रैकेट्स में, जिसमें लगभग कोई 75 कोचेज हैं जो इंडिया एंड ग्लोबली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे कुछ कोचेज और ट्रेनर जापान में हैं, सिंगापुर में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, दुबई में हैं, कैनेडा में हैं, तो यूके में है। तो ये जो कोचेज और ट्रेनर्स हैं ये सब इंडिपेंडेंट कोचेज और ट्रेनर्स हैं, जिसमें कुछ बहुत पॉपुलर हैं, बहुत फेमस हैं, जो बहुत सालों से कर रहे हैं, जिनका जिनका हमारे जैसे कई एजेंसीज के साथ टाई अप होगा। बट कुछ ऐसे कोचेज और ट्रेनर्स भी हैं जो अभी अपने करियर में नए हैं, पर समबडी लाइक मी जो ये फुल टाइम पिछले 13 साल से कर रहे हैं एंड 20 साल से अदरवाइज कर रहे हैं, 7-8 साल लगे सर इनिशियली आई शेडोड आई असिस्टेड, तो 20 साल में आपको एक ही आइडिया लग जाता है कि कौन अच्छा कोच और ट्रेनर बन सकता है, और उनको अच्छा कोच और ट्रेनर बनाने के लिए आपको उनके साथ क्या जद्दोजहद करनी पड़ेगी, राइट? सो इफ यू गेट द राइट मेंटोर इन एन एजेंसी हु नीड्स कोचेस, इट हैज टू बी अ विन विन, राइट? अगर वो कोच और ट्रेनर ऐसे हैं, मेंटोर ऐसे हैं जो आपको बोले कि यार आप मुझे पैसा दो मैं आपको कोच और ट्रेनर बना दूंगा, वो विन विन नहीं है। वो विन विन हो सकता है पर होगा कि नहीं पता नहीं। पर आप आपको कोई ऐसे कोचेज और ट्रेनर्स मिले जो आपके पोटेंशियल को देख के बोले कि आई विल पुट टाइम एंड एफर्ट इनटू लॉन्चिंग यू, इनटू ग्रूमिंग यू, आई विल गेट यू अपॉर्चुनिटीज, बट व्हाई विल आई डू दैट? आई विल डू दैट बिकॉज मेरे को और कोचेज और ट्रेनर्स चाहिए। हमारे पास जो बिजनेस है वो सिर्फ हमारे इंटरनल 10-15 कोचेज और ट्रेनर्स पूरा नहीं कर सकते, वी नीड मोर कोचेज एंड ट्रेनर्स। तो वो विन विन अगर आपको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स मिले तो उससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। सो लॉन्च योरसेल्फ एज अ फ्रीलांसर, एक अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाए, अपने उसमें ट्रेनिंग वीडियोस डालें, आपने कुछ जो भी काम किया हो उसके लिए उसमें टेस्टिमोनियल्स डालें, अपनी प्रोफाइल बनाए, अपना जो मॉड्यूल है जिसपे आप ट्रेन करना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, उसको शार्प करें। कोई एक थीम होनी चाहिए, कोई एक टॉपिक होना चाहिए जिसके आप चैंपियन हैं, जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं, उसको आप शार्प करें, एंड देन टाई अप विद एजेंसीज लाइक ओपन ब्रैकेट्स टू टेक इट टू मार्केट, एंड कहीं किसी एक्सक्लूसिव टाई अप में ना बंधे, 3-4 ऐसे एजेंसी टाई अप करें, एंड टाइम लगेगा। ये चीज मैं हर उस इंसान को बोलना चाहूंगा जो पब्लिक स्पीकिंग में अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं,
कि ये ओवरनाइट नहीं होगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. एंड ऑल्सो जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ज्यादा आप इम्प्रूव करेंगे. अगर मैं अपने पहले 1-2 साल के ट्रेनिंग्स के वीडियोस देखूं और आज के अपने ट्रेनिंग के वीडियोस देखूं तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है. राइट राइट तो यू ग्रो विद एक्सपीरियंस, यू ग्रो विद ऑफकोर्स पेशेंस. पर आई थिंक सिर्फ एक अच्छा स्पीकर होना आपको एक अच्छा कोच या ट्रेनर नहीं बनाता है, आपको अच्छा प्रोफेशनल स्पीकर नहीं बनाता. आप कितना उसमें तो अपना रिसर्च डालेंगे, कितना उसमें से अपनी इनसाइट्स निकालेंगे, क्योंकि हर टॉपिक पे बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं. पर आई थिंक इंसान उस इंसान को सुनना चाहता है जो उसको कोई एक ऐसी चीज बता रहा हो, वो एक ऐसा नजरिया दिखा रहा हो जो उनको खुद नहीं नजर आए, या बाकी लोग उस नजरिए के बारे में बात ना कर रहे हो. अगर आप देखें साइमन सिनेक इन रिसेंट ईयर्स, देयर आर सो वहां पे इंटरनेशनली इतने स्पीकर्स हैं, पर साइमन सिनेक की कोई भी टॉक सुने, चाहे उनका वो कॉन्सेप्ट हो स्टार्ट विद द वाई या गोल्डन सर्कल या लीडर्स ईट लास्ट, अगर इनमें से कोई भी आप यूट्यूब पे या उनके टेड के वीडियोस को सुने तो आप देखेंगे कि एक एक ऐसा इनसाइट है, एक ऐसा पर्सपेक्टिव है, एक ऐसा नजरिया है जो बाकी कोचेस और ट्रेनर्स बात नहीं कर रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई पीपल देन फॉलो यू, वॉन्ट टू डू मोर वर्क विद यू. तो वो अपना रिसर्च कॉन्स्टेंटली, आप कितना पढ़ेंगे, कितना अपने आप को अवेयर बनाएंगे, वो फाइनली ज्यादा मैटर करेगा. और आपके स्पीकिंग स्किल्स अगर 8/10 भी होंगे, 10/10 नहीं भी होंगे, तो भी आपको काम मिलेगा. राइट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एंड विराज, अगर लेट्स से कि समबडी इज, आपने जैसे बोला इस स्टेप को फॉलो करके ऐसे प्रैक्टिस करो एंड देन ज्वाइन समबडी एंड देन उनके अंडर में काम करो एंड एवरीथिंग, सिंस यू आर ऑलरेडी ट्रेनिंग सो मेनी पीपल टू डू दिस, व्हाट इज दैट वन थिंग जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा अटकते हैं या फिर जिसको इम्प्रूव करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को भी समझाने में या फिर द द पर्सन हु इज ट्राइंग टू लर्न टेक्स टाइम टू लर्न दैट पर्टिकुलर थिंग, ऐसा कुछ है? आई थिंक बोथ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस आर अराउंड द सेम पॉइंट, कि आपका आउटलुक क्या है. आपका आउटलुक ये है कि मैं सबसे अच्छा हूं, या आपका आउटलुक ये है कि अभी तो मेरे को बहुत कुछ सीखना है. जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे तो सब कुछ आता है, उस दिन से फिर आपको ट्रेन करना मुश्किल हो जाता है, और उस दिन से फिर आपका सक्सेस का डाउनफॉल शुरू हो जाता है. एंड अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स से मिलता हूं जिनको लगता है कि अरे ये तो मुझे भी पता है, ये तो मैं भी कर सकता हूं. अरे कोई नई बात बताओ. पॉइंट जो पुरानी बातें हैं आप उनको पहले मद्देनजर रखते हुए इम्प्लीमेंट तो करना शुरू करो. आई थिंक दैट लर्नर माइंड सेट फॉर एनी बडी इन एनी प्रोफेशन इज इंपॉर्टेंट, पर शायद इस प्रोफेशन में वो उतना ज्यादा जरूरी है कि आप हमेशा अपना लर्नर माइंडसेट बना के रखें. तो जिसका भी लर्नर माइंडसेट हाई है उसके साथ काम करना, उनको बढ़ावा देना, उनको बड़ा करना आसान हो जाता है. जिनके पास वो बॉटलनेक आ गया कि अरे अब तो मुझे सब कुछ आता है, उनके साथ काम करना भी मुश्किल हो जाता है, उनको बढ़ावा देना भी मुश्किल हो जाता है. देखिए आप अगर आप देखें तो एक तरफ शाहरुख खान है, एक तरफ अभिषेक बच्चन है, और एक तरफ उदय चोपड़ा है. उदय चोपड़ा नहीं, सॉरी, हाँ उदय चोपड़ा है. अगर आपने अभी रिसेंटली द रोमांटिक्स नाम का नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज था जो पूरी यश चोपड़ा की जर्नी को कवर करता है, तो उसमें उदय चोपड़ा ने बोला कि मुझे तो लगता था कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं, और मेरे पास आदि चोपड़ा और यश चोपड़ा की बैकिंग थी, मुझे तो सबसे सक्सेसफुल हीरो होना चाहिए था, राइट? बट एवरी फ्राइडे रिलीज ऑफ द फिल्म एंड वो फिल्म हिट होएगी कि फ्लॉप होएगी ऑडियंस डिसाइड करता है. तो अगर आपने फीडबैक नहीं लिया ऑडियंस का और उस पे अगर आपने काम नहीं किया, और अगर बोला गया अरे ऑडियंस को तो कुछ समझ में नहीं आता, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे. और एक ट्रेनर, कोच, पब्लिक स्पीकर के प्रोफेशन में भी आपका ऑडियंस डिसाइड करेगा कि आप कितने अच्छे हो. पर जिस दिन आपने बोला अरे उनको तो समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी अभी उनको समझ नहीं आया, अरे उनको समझ में नहीं आया, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी है उनको कैसे समझाना है.
सो यू विल हैव टू चेंज. 500,000 पीपल विल नॉट चेंज फॉर यू, यू हैव टू चेंज फॉर 500,000 पीपल. तो आई थिंक वो समझना बहुत जरूरी है. ओके, इज अर्निंग मनी डिफिकल्ट? आई थिंक अर्निंग मनी इज डिफिकल्ट ओनली वेन यू आर डूइंग समथिंग ओनली टू अर्न मनी. कहने का मतलब है कि कोई डिफिकल्ट क्या होता है, डिफिकल्ट वो होता है जिसको जो आपको काम की तरह लगे कि भाई मेरे को इतना काम करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए. पर अगर आप काम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि उससे आप पैसे कमाना चाहते हो, तो पहली बात वो काम लगेगा, दूसरा आप फिर जितने मर्जी पैसे कमा लो आप खुश नहीं होगे क्योंकि आप काम कर. तो फाइनली आपको ढूंढना वो है जिसमें आप बहुत अच्छे हो और जिसको करने में आपको मजा आता है, वो काम जो काम जैसा ना लगे, उसमें अगर आप दो पैसे कम भी कमा लोगे फिर भी खुश रहोगे. एंड देन यू विल नेवर से कि पैसा कमाना मुश्किल है, क्योंकि आपने पैसा कमाने के लिए काम तो किया नहीं, आपने पैसा कमाने के लिए वो किया जो आपको अच्छा लगता है. सो आई थिंक ये जो एंड आज की डेट में स्पेशली अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे फादर का जो जमाना था उस जमाने में इंडिया में, अगर आप बोलते कि यार मैं तो लेखक बनना चाहता हूं, तो वो एक बहुत रिस्की स्टेप. ऐसा नहीं था कि उस जमाने में भी लेखक नहीं होते थे और बहुत सक्सेसफुल लेखक नहीं होते थे, पर अगर आप एक एवरेज हाउस होल्ड में जाएं, मिडिल क्लास हाउस होल्ड में जाएं, और अगर आप बच्चे से पूछें कि आप क्या बनना चाहते हो, और बच्चा बोले कि मैं लेखक बनना चाहता हूं, तो आप फिर भी उसको बोलोगे कि भाई तू लिखते रह साइड पे, पर इंजीनियर बन जा या डॉक्टर बन जा या सीए बन जा या अकाउंटेंट बन जा, गवर्नमेंट जॉब ले ले, फिर लिखता है तो लिखना है. आज की डेट में आप छोटे गांव में चले जाएं, विलेजेस में चले जाएं, सिटीज टाउन्स में चले जाएं, और अगर किसी मिडिल क्लास हाउसहोल्ड में जाएं या लोअर मिडिल क्लास हाउसहोल्ड में भी जाएं, और अगर कोई आपको बच्चा नजर आता है जिसको लिखने का शौक है और बोलता है कि मैं लेखक बनना चाहता हूं, तो शायद आप उसको ये एडवाइस अब नहीं देंगे. तो आई थिंक आज पैसे कमाना वैसे ही बहुत मुश्किल नहीं है, एंड मोस्ट लोग आपके जेनरेशन के मोस्ट लोग आई डोंट थिंक वो वैसे भी सिर्फ एक काम करेंगे. ये जनरेशन हुआ है जो चार पांच चीजें एक साथ करेगा. तो आप पैसे तो कहीं ना कहीं से कमाई लोगे, पर आप जो दिन के 18 घंटे काम करोगे, वो काम अगर काम नहीं लगेगा तो पैसे कमाना और आसान हो जाएगा. दैट्स माई बिलीफ. टोटली अग्री विद दिस. अगर आपको शुरुआत से शुरुआत करनी हो, व्हाट विल यू चेंज? द वन थिंग आई डेफिनेटली चेंज इज फाइंड अ मेंटर और कोच प्रोएक्टिवली. आई थिंक मैं वेट करता रहा और मैंने कॉन्शियसली नहीं ढूंढा, कुछ लोग आए मेरे को अच्छी एडवाइस दे गए, वो मेरी खुशकिस्मती थी, पर ऐसा नहीं था कि मैं उस एडवाइस को ढूंढने के लिए गया. आई थिंक फर्स्ट थिंग आई विल डू इज गेट माई सेल्फ अ गुड कोच एंड अ मेंटर मच अर्लियर इन माई करियर देन आई डिड. आई थिंक वो एक चीज मैं जरूर चेंज करना चाहूंगा कि फॉर्मल कोचिंग और मेंटरिंग राइट टाइम पे मिल जानी चाहिए थी. ओके, विराज, पर्सनल ब्रांडिंग में एक ऐसा कौन सा मिस्टेक है विच पीपल डोंट एक्नॉलेज या अनदेखा कर देते हैं बिकॉज इट्स टू मच वर्क, और यू नो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बट पीपल आर इग्नोरिंग इट? मुझे ऐसा लगता है कि I told you I started my career in PR, right? Yeah. Now PR में एक बहुत मशहूर टर्म है, the term is called image management. Okay. या image consulting. And there are a lot of image management institutes out there जो आपको professionally सिखाते हैं कि how to become good at managing your image. तो ये जो image word है ना, मेरे को इससे problem है कि अगर आप सब कुछ अपनी जिंदगी में एक इमेज बनाने के लिए कर रहे हैं, तो उसका मतलब वो ऑथेंटिक नहीं है, वो सच्चाई नहीं है. क्योंकि सच्चाई आपकी आइडेंटिटी होती है, आपकी इमेज नहीं होती. इमेज वो होती है जो आप दूसरों को दिखाने के लिए बनाते हो, आइडेंटिटी वो होती है जो आप हो. तो आई थिंक पर्सनल ब्रांडिंग की जो पूरी आज अगेन भेड़चाल है या पूरा जो ट्रेंड है, उसमें आप देखें तो सबकी फोटो एक तरीके से खींची होनी चाहिए, सब ट्रैवल करने हो रहे होने चाहिए, सबके पास एक BMW 7 सीरीज होनी चाहिए, सबके पास एक प्राइवेट स्विमिंग पूल होना चाहिए, सबके कपड़े आर्मानी और गुची के होने चाहिए.
तो फिर आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है? वो तो सब कुछ ब्रांड है ना, वो आपका ब्रांड नहीं है, वो ब्रांड है जो ब्रांड बन चुके हैं। अगर आप जाके देखेंगे जियानी वर्साची कैसे बने, या जॉर्जियो अरमानी कैसे बने, उनके पास तो अरमानी सूट नहीं था ना बोलने के लिए कि मैं आई हैव अराइव्ड। बीइंग समबडी हु अराइव्ड हैज टू बी यूनिक, एंड दैट यूनिकनेस हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड यू। तो अगर आप वही कर रहे हैं जो 20 लोग और कर रहे हैं, तो आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है, आपका आपका यूनिकनेस क्या है? आज अगर आप वर्ड इन्फ्लुएंसर टाइप करें, और जो पहले 5,000 प्रोफाइल आ रही हैं, उसमें से लगभग 99% ऑफ द प्रोफाइल सब एक जैसी हैं। सो यू हैव, आई थिंक व्हाट इज मिसिंग इज एन एलिमेंट इज ऑथेंटिसिटी, कि आप जो हो उसी को आप दिखाओ, और उसी को आप और स्ट्रॉन्गर बनाओ, उसके साथ सिंसियर रहो। आप जो उसके साथ सिंसियर रहोगे तो उसे ऑथेंटिसिटी माना जाएगा, और उसको लेने वाले भी बहुत लोग होंगे। हमें ऐसा लगता है कह रहे ये कौन देखेगा, कौन खरीदेगा, कौन इससे इन्फ्लुएंस होएगा, बट द फैक्ट इज कि आप जो हो, आप यूनिक हो, उस यूनिकनेस को पहचान के उसको प्रमोट करें। आई गेस यू आर ट्राइंग टू से इज कि जो हो वो दिखाओ. जैसे कि आपके साथ ये पॉडकास्ट हो रहा है, जब मैंने आपको रीच आउट किया यू वेर ऑल पम्प्ड अप एंड वी आर जस्ट डूइंग इट राइट नाउ. देर करेक्ट, आर सो मेनी पीपल हु आई अप्रोच टू एंड दे वॉन्ट द क्वेश्चन बिफोर हैंड कि आप क्या क्या क्वेश्चन बोलोगे मेरे को पहले से बता दो और राइट, आस्क मी दीज क्वेश्चंस. करेक्ट। आई कैन इमेजिन। अरे एक चीज और भी है ना कृतिका, देखिए, एंड आई डोंट डिसएग्री विद दैट एस्पेक्ट। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरा जितना भी काम है वो B2B है, वो B2C नहीं है। कहने का मतलब ये कि मेरे सारे जो क्लाइंट्स हैं वो कॉर्पोरेट हैं। मेरे क्लाइंट्स जनरली वो लोग नहीं है जो मुझे सोशल मीडिया पे देखते हैं और बोलते हैं अरे क्लिक करो इस एड पे, और फिर वो एक माइक्रो साइट पे पहुंचते हैं जहां से उनको बोला जाता है कि अब आप इस कोर्स के लिए एनरोल करो। तो मेरा काम B2C है ही नहीं, मेरा काम B2B है, राइट? सो विच मीन्स दैट इन दिस कॉन्वर्सेशन मैं ये कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं प्लांट करना चाहूंगा जिससे कि मेरा कोई प्रोडक्ट प्रमोट हो, क्योंकि वो मेरा आपका टारगेट ऑडियंस, मेरा टारगेट ऑडियंस बिजनेस के लिए नहीं है, राइट? बट आई डू अंडरस्टैंड दैट ऐसे बहुत सारे लोग आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे, आपके मीडियम पे आएंगे, जिनको पता है कि आपके ऑडियंस उनके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर चाहें कि आप उनसे वो सवाल पूछो जिनसे उनका प्रोडक्ट प्रमोट हो जाए, तो मैं कहता हूं चलो वो भी ठीक है, बट ठीक ये नहीं है कि अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आप बातें बड़ी बड़ी करें और उसका रिजल्ट छोटा हो, या बातें बड़ी बड़ी हो क्योंकि वो सुनने में अच्छी लगती हैं पर इन एक्शन वो पूरी ना पड़ रही हो। तो जो हो वो बताओ, जितना आप कर सकते हो उतना बताओ, और जो दिखता है वो बिकता है का जमाना गया। अब पीपल कैन सी थ्रू इट, पीपल आर स्मार्ट नाउ. पीपल आर स्मार्ट, दे नो कि भाई ये तो ये बोल ज्यादा रहे, वो कहते हैं ना नाम बड़े पर दर्शन छोटे, दर्शन वो छोट नहीं होना चाहिए। राइट ओके. कमिंग बैक टू ब्रांडिंग, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे एक्टिव होना इतना जरूरी हो गया है, सब कुछ सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, तो ये करो वो करो. डू यू थिंक इन टाइम्स टू कम फिजिकली जो ब्रांडिंग होता था, जो चीज तरीके होते थे, वो चीज बिल्कुल ही कम होती चली जाएंगे एंड इट विल बी ऑल डिजिटल? नो अब आप देखें, इवन इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेनिंग, अब जब लॉकडाउन हुआ था पहला वाला, तो इसी कमरे में, ये मेरा होम ऑफिस है, मैं अपने मोस्टली ऑनलाइन सेशंस अपने होम ऑफिस से ही करता हूँ। जब मेरे को अपनी टीम के साथ मीटिंग करनी होती है तो मैं ऑफिस में जाता हूँ, और जब जैसे फॉर एग्जाम्पल कल मैं बैंगलोर जा रहा हूँ कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने के लिए, कुछ ट्रैवल करना होगा। पर फॉर दोज 1.5 ईयर्स, 2020 से लेके मिड 2021 तक, सारा काम ऑनलाइन था। ऑफलाइन तो कुछ काम हमारे लिए हो ही नहीं रहा था। सो ऐसा लगा कि अब तो सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन कोई ट्रेनिंग होगी ही नहीं। बट द फैक्ट इज कि 2021 में जब लॉकडाउन खुले इंडिया में और दुनिया भर में, तो एवरीथिंग इज बैक टू बिजनेस, विच मीन्स दैट आज अगर 2019 तक मैं साल के 100 दिन इन पर्सन ट्रेनिंग कर रहा था, तो अब वो 100 दिन वापस आ गए, पर जो बाकी 200 दिन में ट्रेनिंग नहीं कर रहा था उसमें से 100 दिन और अब ट्रेनिंग ऑनलाइन हो रही है। तो आई थिंक
ऑनलाइन का या डिजिटल का किसी भी फील्ड में सबसे बड़ा एडवांटेज यह है दैट फिजिकली आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं कर सकते जो आप डिजिटली कर सकते हैं। कि मैं आज ये मीटिंग आपके साथ खत्म करके अगर चाहूं तो एक ऐसा ही इंटरव्यू और इसके बाद कर सकता हूं, दिन में से चार कर सकता हूं, पर अगर फिजिकली मुझे करने पड़े तो शायद मैं दिन में एक से ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। सो योर रीच, योर अवेलेबिलिटी, योर एफिशिएंसी, योर इफेक्टिवनेस, ये सब कुछ बिकॉज ऑफ डिजिटल हायर हो गया है। एंड इवन योर रीच टू योर कस्टमर बिकॉज ऑफ डिजिटल हैज बिकम स्ट्रॉन्गर, बट ऑफलाइन चलता आ रहा है वो चलता रहेगा, शायद थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली उसमें से कुछ बैंडविड्थ डिजिटल की तरफ एलोकेट हो जाएगी, पर चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो मीटिंग्स हो, चाहे वो आउटरीच हो, ऑफलाइन जो है वो चलेगा, डिजिटल विल ओनली मेक इट 4 times more। आज ये कोई नहीं बोल सकता कि क्योंकि मैं ऑफलाइन कर रहा हूं मैं ऑनलाइन नहीं करूंगा, यू या नो ऑफ कोर्स मतलब वो नहीं हो सकता, पर कि क्योंकि मैं ऑनलाइन कर रहा हूं मुझे ऑफलाइन करने की जरूरत नहीं है, वो शायद नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप देखो तो चाहे वो ऑनलाइन स्टोर्स हो या वो आई मीन फॉर एग्जाम्पल वन प्लस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। वन प्लस व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ इट सेड दैट आई एम ओनली गोइंग टू बी अवेलेबल ऑनलाइन, मेरी या ऑफलाइन ऑफिस कोई ही नहीं। नाउ इन एवरी बिग मेट्रो दे हैव अ फ्यू ऑफलाइन स्टोर्स ऑल्सो, सो यू नो यू कैन नॉट डू ओनली वन ऑफ द टू, यू हैव टू डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, बट ऑब्वियसली यू विल डू ऑनलाइन, दैट ऑनलाइन आप ज्यादा करेंगे, ऑफलाइन आप शायद उतना नहीं करेंगे, पर आप ऑफलाइन को बिल्कुल ये नेगेटिव, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिपेंडिंग ऑन व्हाट फील्ड यू आर इन, राइट? करेक्ट व्हाट फील्ड यू आर इन, एंड लाइक आई सेड ऑनलाइन के बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस ऑफलाइन में नहीं है, तो राइट, ऑनलाइन शायद ज्यादा हो जाएगा, ऑफलाइन खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा, राइट? ऑफ कोर्स, या स्टोरी टेलिंग स्किल्स जो होते हैं, इज इट इम्पोर्टेंट और इज इट लाइक अ गुड स्किल टू लर्न फॉर एवरीवन? इफ सो कैन यू गिव एन एग्जांपल कि कहाँ काम आता है ये बहुत स्किल? पहली बात तो इट्स अ स्किल फॉर एवरीवन, ओके एंड सेकेंडली ये स्किल आपका सबसे ज्यादा वहां काम आता है जहां पे आपको कोई भी इंसान को इन्फ्लुएंस करना हो या उसके लिए किसी भी चीज को कॉन्टेक्चुअलाइज करना हो। पिकासो एंड वैन गो आर नेम्स ऑफ टू वेरी फेमस पेंटर्स, यस ये पोस्ट रेनेसां पेंटर्स हैं दोनों, पिकासो एंड वैन गो। सो पाब्लो पिकासो एंड विंसेंट वैन गो, ये दोनों एक ही एरा के नहीं है पर दोनों पोस्ट रेनेसां पेंटर्स हैं। अगर आप पिकासो की हिस्ट्री देखें तो आप देखेंगे कि पिकासो अपने लाइफ टाइम में बहुत सक्सेसफुल रहे, मल्टी बिलियनर बने, पूरी दुनिया में उनको सब जानते थे और उन्होंने बहुत पैसा कमाया, नाम शोहरत धन उनको सब कुछ मिला। विंसेंट वैन गो अपने लाइफ टाइम में बिल्कुल पैसे नहीं कमा पाए, काफी हद तक बहुत सारी चीजों से वंचित रहे, बिल्कुल ही एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल उनका था, एंड इनफैक्ट उनकी जो डेथ थी वो बहुत ट्रेजिक थी। मतलब खाने के लिए पैसे नहीं थे, इतने बुरे हाल थे, पर उनकी पेंटिंग्स आज जब ऑक्शन होती हैं तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ऑक्शन होती हैं। मतलब मुकेश अंबानी के घर पे जब एक विंसेंट वैन पेंटिंग है तो लोगों को पता लगता है कि भाई इन्होंने विंसेंट वैन गो की पेंटिंग खरीदी है, तो अब वो उस शोहरत के पेंटर हैं। बट वो कहते हैं कि दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये था कि वैन गो सिर्फ पेंटिंग किया करते थे और बोलते थे जिसने खरीदना खरीद लो मेरी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। पिकासो उनसे 4 गुना ज्यादा पेंटिंग करते थे पर वो अपनी पेंटिंग्स ऐसी लगा के नहीं बोलते थे कि जिसने लेनी है ले लो, वो एक वाइन एंड चीज इवेंट करके वहां पे सारे सोशलाइट्स को बुला के, सारे मीडिया को बुला के एक पेंटिंग पीछे लगी हुई है जिसके ऊपर पर्दा लगा हुआ है, पेंटिंग अभी किसी ने देखी नहीं है, वो पेंटिंग के सामने खड़े होके आपको ये बताते थे कि पेंटिंग मैंने क्यों बनाई, उस टाइम पे मेरे दिलो दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने इसमें काला कलर ही क्यों यूज करा, इसको मैंने चारकोल से क्यों बनाया, और वो अभी अपनी कहानी बता ही रहे होते थे अपने पेंटिंग के बारे में, एंड पीपल वुड बी पुटिंग मनी ऑन द टेबल के पेंटिंग मैं खरीदूंगा, ऑक्शन जाता था, पेंटिंग अभी किसने देखी नहीं है।
जो ऑक्शन शुरू हो गया उसके बाद जब वो पेंटिंग खोलते थे तो फिर 10 और लोग ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। दैट इज स्टोरी टेलिंग और दैट इज द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। जब आप अपने फैक्ट से किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करें तो उससे कुछ लोग शायद इम्प्रेस होंगे, शायद नहीं होंगे, बट जब आप उस फैक्ट में इमोशन मिलाते हैं ना, डिसीजन मेकिंग वहां से आती है। आप अगर देखें, अगर स्टॉक मार्केट सिर्फ रैशनल और लॉजिक पे चल रहा होता तो उसमें इतने अप्स एंड डाउन होते ही नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी इमोशन पे चलता है, एक नैरेटिव पे चलता है, एक स्टोरी पे चलता है कि अरे ये नई कंपनी लॉन्च हुई है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। कैसे पता? वो एक कहानी है। तो जब आप उस कहानी और उस विजन में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक रिस्क है, बट आप करते हैं इसलिए क्योंकि आपका इमोशन बोलता है ये मजा आएगा, यहाँ पे ये सुनने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, स्टोरी है, राइट? सो स्टोरी टेलिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटिंग, फॉर अलाइनिंग पीपल, फॉर क्रिएटिंग द विजन ऑफ अ ब्रांड और अ कंपनी, वेदर इट इज अ पर्सनल ब्रांड और इट इज अ बिजनेस ब्रांड। स्टोरी टेलिंग इज वेयर यू अटैच विद इमोशन, एंड मोस्ट डिसीजन मेकिंग इमोशन से आती है, रैशनल से नहीं आती। तो जब इस टॉपिक पे आए हैं तो कैन यू प्लीज ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज इमोशनल इंटेलिजेंस? सो इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 पहलू होते हैं। पहला पहलू तो ये कि आप कौन हो, उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज और कितनी अवेयरनेस है। मैं कौन हूं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूं, मैं अब कौन से पड़ाव पे पहुंच चुका हूं, कौन से पड़ाव पे जाना चाहता हूं। सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट पहलू, फर्स्ट डायमेंशन। जो दूसरा डायमेंशन है वो ये है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अभी अगर मैं प्रतिका से बात कर रहा हूं तो मेरा कितने लंबे आंसर पे मेरे को उनकी इंपेशेंस नजर आनी शुरू हो जाती है, तो मुझे पता होना चाहिए कि अगला आंसर मुझे कितना छोटा करना है। सो दैट्स नॉट फीडबैक यू आर गिविंग मी, पर दैट्स माई इमोशनल इंटेलिजेंस टेलिंग मी के ये मुझे फीडबैक मिल रहा है बिना बोले, तो ऑब्जर्विंग अपने को कैसे एडजस्ट करूंगा, राइट? तीसरा पहलू इमोशनल इंटेलिजेंस का ये है कि आपको कितनी अवेयरनेस है इस बारे में कि दुनिया में आपकी कितनी अपॉर्चुनिटी है, आप जो काम करते हैं उसका डिमांड सप्लाई क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरी टीम में भी कुछ लोग हैं यंगस्टर्स, जो 6 महीना काम करने के बाद मेरे को बोलते हैं कि मुझे तो प्रमोशन चाहिए। तो भाई प्रमोशन तो मिलेगा, पर अभी तो आपने शुरुआत की है, अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं। नहीं सर, पर मेरे जो साथ वाले हैं उनको तो जहां पे वो काम कर रहे हैं इतना मिलना शुरू हो गया है। बोलता हूँ कि यार आपको पिछले 3 महीने से बताया जा रहा है कि आपको ये कुछ चीजें हैं जो इम्प्रूव कर, वो तो मैं कर लूंगा सर, पर प्रमोशन कब मिलेगा? योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर डू यू स्टैंड इन दिस यूनिवर्स, कि भाई आप तो ये सोच सकते हो मुझे तो सीईओ होना चाहिए, पर क्या यार ये सीईओ का जो उनका बेंचमार्क है, क्या आप उस पर खरे उतर रहे हैं? या मैं बहुत सारे लोग कोच करता हूं जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, उनमें से एक सीईओ बनता है, तो जो बाकी 9 वाइस प्रेसिडेंट हैं उनमें से कई बोलते हैं कि अरे मैं तो इससे बहुत बेहतर हूं। तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि भाई ये आपको लगता है कि आपको किसी ने बताया है कि आप उनसे बहुत बेहतर हो? अगर आपको लगता है तो शायद वो पूरा ये तीसरा पहलू जो है, तीसरा क्वाड्रेंट जो है इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें कहीं पे कमी है, तो इसको आप करें। सो दैट्स द थर्ड, योर अवेयरनेस ऑफ यू, योर पोजीशन इन द यूनिवर्स। एंड द फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज कि ये जो पहले 3 पहलू हैं, से जो आपको सीख मिल रही है उसको आप कैसे अपने बिहेवियर में, अपने कम्युनिकेशन में, अपने एक्सटर्नल एनवायरमेंट में प्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स द फोर्थ, द एक्शन डायमेंशन। और मैंने बहुत बार ये देखा है कि बहुत लोगों के पहले 3 डायमेंशन पूरे होते हैं, ये चौथा डायमेंशन पता होने के बावजूद हम उसको एक्शन में चेंज नहीं कर पाते। अरे ये तो मुझे पता है, पता तो है, बट फिर इसके बारे में कुछ कर क्या क्यों कर नहीं रहे रहे? हो? लाइक वेरी ऑफन ऐसा होता है दैट आप किसी बहुत सीनियर, मोस्ट ऑफ द कोचिंग दैट आई डू इज विद लीडर्स, राइट? ऐसे बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जो दिग्गज होते हैं अपने काम के, कि भाई मैं सेल्स में बहुत अच्छा हूं, मैं फाइनेंस में बहुत अच्छा हूं, मैं टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा हूं, पर अब उनको अपने डोमेन से उठ के सीईओ बनना है कंपनी का। एंड क्या वीक है? आपका कम्युनिकेशन स्किल वीक है। तो जब आप उनको बोलते हो कि भाई आपका कम्युनिकेशन स्किल वीक है, तो कहते हैं हाँ मुझे पता है। उनको पता है तो कुछ करो ना उसके बारे में।
राइट, सो आई थिंक दैट इज वन की डायमेंशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस एंड एक्शन कमिंग टुगेदर. वुड यू ऑल्सो शेड सम लाइट ऑन योर न्यू एज लीडरशिप प्रोग्राम? वॉट इज इट ऑल अबाउट? So, very interestingly, Pritika, the New Age Leadership Program has a lot to do with emotional intelligence. Okay. So, New Age Leadership is divided into four quadrants again. So, I say that even before you start leading anything else, you have to lead your own self better. So, the first quadrant is self-leadership. Your discipline, your self-awareness, your ability to remain self-motivated, your ability to always be a learner. So all of that is what we handle in the first quadrant. Second quadrant is, how do you lead people better? Ab wo ye raha hai ke jo young millennial or Gen Z hai, unka outlook, unka nazariya pichle sari generation se bahut alag hai. Ye chat GPT wali generation hai. Ye shortcuts legi kyunki inko shortcuts available hai. Ye zyada jaldi grow karegi kyunki inko sari knowledge or information at the tap of a button hai. तो अगर आप वो लीडर हैं जो मेरी तरह ये बोलेंगे कि अभी तो 6 महीने तो हैं, अभी तो सीखो, उसके बाद बढ़ोगे आगे, तो शायद आप पीछे रह जाओगे. जनरेशन हैज टू बी मोटिवेटेड एंड डेल्ट विद वेरी डिफरेंटली फ्रॉम हाउ द प्रीवियस जनरेशंस वर. सो वो लीडर जो ये बोलता रहे कि यार हमारे जमाने में ये होता था, वो नहीं चलेगा. सो देन वॉट इज इट दैट यू नीड टू डू टू अलाइन विद योर ओन टीम डिफरेंटली इज द सेकेंड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट इज, हाउ डू यू अलाइन विद द मार्केट डिफरेंटली. अगर हमारे इम्प्लॉयज जेन ज़ी और यंग मिलेनियल बनते जा रहे हैं, तो हमारे जो कस्टमर्स हैं, स्पेशली इंडिया में, विच इज सपोज्ड टू बी द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड नाउ ऑन एन एवरेज, इवन दे आर गेटिंग यंगर बाय द डे. तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनके बिजनेसेस पुश्तैनी हैं, 3 जनरेशन से 2 जनरेशन से चलते आ रहे हैं. तो उनको घर पे बार बार डाइनिंग टेबल पे अपने बुजुर्गों से सुनने को मिलता है कि अरे तुम जो कर रहे हो वो गलत है, इसको ऐसे करो. You make the two generations understand that the world has changed and so you have to change. We still work with some companies in India that do not have an Instagram page, that do not have a LinkedIn profile. You know, so for them to understand that website, to shayad ab koi bhi nahi dekhta. Now people, when they search for you, they search for you first on social media, not on your website. So that's the third quadrant. And the final quadrant is that jab aapko ek aisi company banani hai jisko funding mil chuki hai, 50 se 500 ja rahe hain, 500 se 5000 ja rahe hain, 500 se 5 lakh ja rahe hain, what is it that makes a company truly successful? GE kaise bana, Apple kaise bana, Microsoft kaise bana? India mein especially, companies pay very little attention to having a value system, having a story, having a narrative, having a vision, having a set of engagements with their employees and their customers, jahan pe brand reinforce hota hai, jahan pe brand banta hai. So that's the fourth quadrant, that how do you have a set of values? How do you get these values into action? So that's, in a nutshell, new age leadership. Wow, that's great. It's agar kabhi Kolkata mein hua to please let me attend this, because it sounded very interesting. Bahut kuch seekhne ko milega. If there is a training program of this new age leadership, I would definitely love to join it. I'll most definitely keep you posted. Thank you. Viraj, aapka daily routine share karoge? Like, what's your typical day looks like? So, mere do tarike ke din hote hain. Actually, 3 tarike ke. Ek wo din hota hai jab main travel kar raha hota hun. Jab main travel kar raha hota hun, to my best friend is my book. तो जब मैं काम नहीं कर रहा और सिर्फ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो बुक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय डेली रूटीन. देन आई डू मोस्ट ऑफ माय रीडिंग व्हेन आई एम ट्रैवलिंग. और मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ काम के लिए, तो मैं बहुत सारी रीडिंग करता हूँ. एंड द अदर थिंग दैट आई ऑलवेज डू इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हिचएवर 3 काइंड ऑफ डेज दैट आई एम गोइंग थ्रू इज कंसिस्टेंटली देयर इज अ फिटनेस रूटीन दैट इज इनटू प्ले. तो अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरे रनिंग शूज मेरे साथ जाएंगे. चाहे मैं 15 मिनट ही सिर्फ भाग पाऊं, मैं 15 मिनट भागूंगा. और मैं कोशिश ये करता हूँ कि ट्रेडमिल पे ना भागूं. तो अगर ट्रेडमिल पे नहीं भागना है, तो फिर आप रोड पे भी भागते हो, आप गार्डन में भी भागते हो. कभी कभी एक 50 मीटर के कॉरिडोर में मैं 500 चक्कर भाग मारे हुए, ताकि मेरे 5 किलोमीटर पूरे हो. राइट, सो रनिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई रूटीन, इरिस्पेक्टिव वेदर आई एम ट्रैवलिंग और नॉट. द सेकंड डे, सेकंड काइंड ऑफ डे इज व्हेन आई एम
वर्किंग आउट ऑफ दिल्ली, विच मीन्स या तो मैं दिन में ट्रेनिंग सेशंस घर से हैं या मैं अपने ऑफिस में मीटिंग्स के लिए जा रहा हूँ. ऑन मोस्ट ऑफ दोज डेज आई स्टार्ट माई डे एट अबाउट 9:30, 10 AM. सो विच मीन उठ चाहे 7, 7:30 बजे जाऊंगा, पर मैं ऑफिस 9:30, 10 बजे के करीब पहुंचता हूँ. तो वो जो 7 से 10 वाला मेरा टाइम है, वो मेरा टाइम है. उस टाइम में मैं कोई मैसेजेस नहीं रिस्पॉन्ड करता, कोई ईमेल्स नहीं रिस्पॉन्ड करता. उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि घर पे जो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पूरे हों, मेरी जो एवरीडे की न्यूज है वो मैं कैप्चर कर पाऊँ, मेरे जो मेनली जो एक्शंस मैंने दिन में लेने हैं उनको मैं उस टाइम पे सुबह टैली करता हूँ. एंड देन फाइनली 10 o'clock इज व्हेन आई हिट ऑफिस एंड माय डे स्टार्ट्स विद, इफ आई एम इन ऑफिस माय डे स्टार्ट्स विद मीटिंग विद माय टीम. क्योंकि मैं ऑफिस शायद महीने में 6 या 7 बार जाता हूँ, क्योंकि मोस्टली अदर टाइम आई एम ट्रैवलिंग और वर्किंग आउट ऑफ होम. वो 6-7 दिन जो है माई डे स्टार्ट्स विद अ मीटिंग विद द टीम. क्या चल रहा है, क्या नया है, क्या हमें करना है, क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, क्या नया आइडिया आया, पिछले आइडिया को इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई डे, स्पेंडिंग टाइम विद माई टीम व्हेन आई एम इन ऑफिस, राइट. एंड शाम का रूटीन इज नॉट वेरी फिक्स्ड. शाम मैं बहुत फ्लेक्सिबल रखता हूँ. कभी अगर टाइम निकल आता है तो फिर से भागने चला जाता हूँ, कभी अगर टाइम नहीं निकलता है तो थोड़ा सा टीवी देख लिया. माई पेरेंट्स स्टे इन दिल्ली बट नॉट विद मी. आई मेक श्योर दैट एवरी 3 or 4 days हम चाहे डिनर एक साथ कर लें, उनके घर हमारे घर या कहीं बाहर, सो वो हो जाता है. एंड द थर्ड काइंड ऑफ डे इज माय व्हाट आई कॉल माय फ्री वीकेंड. क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि बहुत सारे वीकेंड्स वर्किंग वीकेंड होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम आई वाज इन कैलकटा, अभी कुछ दिन पहले ही था. सो आई रीच्ड ऑन संडे, संडे पूरा दिन काम था, मंडे भी पूरा दिन काम था. तो सैटरडे संडे फॉर एन ऑन्टरप्रेन्योर इज नॉन एग्जिस्टेंट. वो सैटरडे संडे आप तब बनाते हो जब बना सकते हो. तो जब वो सैटरडे संडे मिलता है, आई मेक श्योर दैट वो बिल्कुल चिल हो. कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, उस पर कोई एजेंडा है, उस पर भाग रहे हैं नहीं भाग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. वीकेंड इज कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी, कंप्लीट फ्रीडम. द ओनली फिक्स्ड एजेंडा ऑन अ फ्री वीकेंड इज दैट आई डेफिनेटली लाइक टू डू समथिंग विद माई 14-year-old son. तो उसके साथ कुछ डेफिनेटली एक एक्टिविटी प्लान होती है फॉर दैट वीकेंड. He plays wonderful music. I have checked his Instagram. You post his story a lot. He's wonderful at this age. He's doing brilliant, Thank absolutely you. in his work. Thank you. Thank you. He's very, very passionate about music. And we're hoping that he'll make a career in music. So, like I said, what we missed at our time, right now, we are making sure that he gets all the right mentoring and coaching. And जो कि fortunately उसको मिल रही है. So, hopefully, he's on his way to become a musician. विराज, फ्रॉम द वे यू एक्सप्लेन्ड योर डेली रूटीन, लाइक 3 types of days, देर इज अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन दैट गोज इन टू इट टू कीप इट कंसिस्टेंटली लाइक दिस. सो कैन यू गिव सम टिप्स ऑन हाउ कैन अ पर्सन स्टे डिसिप्लिन्ड? आई थिंक दो चीजें जो हम सबको करनी चाहिए, एक्चुअली तीन तीन चीजें. पहली बात तो ये, टू बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग ऑन अ डेली बेसिस. हम में से बहुत सारे लोग एक रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं और उसी रूटीन को फॉलो करते ही रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बस यही जिंदगी है. तो एक तो नेवर बी एट पीस विद लाइफ. टू डिसाइड कि यही जिंदगी है, देन यू आर नॉट लिविंग, यू आर एग्जिस्टिंग, राइट. तो टू कीप चैलेंजिंग योर सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस कि मैं आज जो कर रहा हूं उसको कल डिफरेंटली कैसे कर सकता हूं. जस्ट दैट वेरी थॉट, दैट वेरी कॉन्स्टेंट थॉट इज अ गुड इनफ ट्रिगर फॉर यू टू ट्राई टू डू मोर विद योर डे. सो पहले तो वहां से शुरू करें. सेकेंड इज टू डू एन एक्सरसाइज एटलीस्ट वंस अ वीक टू लुक बैक एट योर वीक एंड से व्हाट डिड आई अचीव दिस वीक एंड व्हाट डू आई वांट टू अचीव नेक्स्ट वीक. तो जो पहले दो ट्रिगर्स हैं, दैट इज जस्ट टू रिमाइंड यू कि आप जो कर रहे हो उससे बहुत ज्यादा कर सकते हो अगर आप सिर्फ ये ट्रैक रखो कि आप क्या कर रहे हैं. आई गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल. इन द लास्ट 5 years इन द सिलिकॉन वैली, द मोस्ट फंडेड टाइप ऑफ बिजनेस, वो स्टार्टअप्स, उस कैटेगरी ऑफ स्टार्टअप जिनको सबसे ज्यादा फंडिंग मिली है, अमंग्स दोस फाइव कैट अमंग्स द टॉप 5 ऑफ दोस कैटेगरीज, वन कैटेगरी इज समथिंग कॉल्ड अ VA,
VA is essentially the virtual assistant. Now, you can, a lot of people who are very senior leaders, especially in corporate, उनको अब परमिशन ही नहीं है, उनको बजट ही नहीं है कि वो एक पर्सनल असिस्टेंट हायर कर पाए या एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हायर कर पाए। तो बहुत सारे काम जो पहले आपके असिस्टेंट्स करते थे, अब आपको खुद करने होते हैं, राइट? बट नथिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम हायरिंग अ वर्चुअल असिस्टेंट। नाउ दिस वर्चुअल असिस्टेंट डज एवरीथिंग फॉर यू, फ्रॉम राइटिंग योर ईमेल्स टू फॉलोइंग अप कि भाई मैंने एक बुकिंग करी थी एक होटल में, वो कंफर्म नहीं हुई, मैं उनको, आप खुद नहीं करोगे फोन, वो वर्चुअल असिस्टेंट करेगा। आपने मॉल में कुछ ऑल्टर करने के लिए दिया हुआ है, वहां से उठाना है आपको, एनिवर्सरी, बर्थडे रिमाइंड, सो ऑल ऑफ दैट, राइट? नाउ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि अपने वर्चुअल असिस्टेंट को आउटसोर्स क्या करना है, कि खुद क्या करूंगा और वर्चुअल असिस्टेंट क्या करेगा, क्योंकि आपको इतनी आदत है कुछ काम अपने आप करने की जो कि आपकी एफिशिएंसी और आपकी प्रोडक्टिविटी के अगेंस्ट है, और आप वो करते जा रहे हो क्योंकि वो करते जा रहे हो, देर इज नो थॉट टू इट, देर इज नो कॉन्शियस माइंडफुल थॉट टू इट। एंड दैट्स माई थर्ड पॉइंट, दैट प्लीज वंस यू आर काइंड ऑफ ट्रैकिंग कि मैं क्या बेटर कर सकता हूं, एक लिस्ट बनाए उन चीजों की जो आप बेटर कर सकते हैं, एंड देन फाइंड वेज टू आइदर नॉट डू देम इफ दे आर डेट्रीमेंटल टू योर प्रोडक्टिविटी, और डू मोर ऑफ इट इफ यू नो इफ आई डू मोर ऑफ दिस आई गेट मोर प्रोडक्टिविटी, और थर्ड मे बी देर आर सम थिंग्स दैट यू आर डूइंग वेरी वेल विच यू आर श्योर कि ये कोई और नहीं कर सकता, सो देन कंटिन्यू टू डू देम, सो दैट एक्सरसाइज ऑफ स्टार्ट स्टॉप कंटिन्यू, उसको एक वीकली एक्सरसाइज बना लेंगे, डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। यू नो लॉट ऑफ पीपल से दैट फॉर्मिंग अ हैबिट इज अ 21 डे और अ 60 डे और अ 90 डे। मैं कहता हूं कोई भी चीज हैबिट तब तक नहीं बनेगी जब तक वो सवाल आपके दिमाग में आंसर नहीं होगा कि मैं ये क्यों करूं। यू नो लाइक जब मैंने रनिंग शुरू करी थी, मुझे ऐसा तो नहीं था ना कि उसके पहले तक ये नहीं मालूम था कि रनिंग कैसे करते हैं, रनिंग कहाँ कर सकते हैं, रनिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है। सो साइमन सिनिक, बहुत सारे सवाल के जवाब व्हाट और हाउ में नहीं होते, व्हाट और हाउ तो सब फिगर आउट कर लेंगे, व्हाई मैं क्यों करूं। सो इवन योर ओन डिसिप्लिन विल कम इन व्हेन यू आंसर दिस क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ कि मेरे को सुबह क्यों जल्दी उठना है, मेरे को सिगरेट पीनी क्यों छोड़नी है, मेरे को अपना फिटनेस को क्यों प्रायोरिटाइज करना है। जब वो क्यों आंसर हो जाएगा ना, तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। सम रियली गुड एडवाइस. आई एम श्योर लिसनर्स विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन दिस, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली और बार बार पूछे जाते हैं अबाउट हैबिट चेंजिंग एंड डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि ये दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग विच एवरी वन इज फेसिंग. सो थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस सो ब्यूटिफुली. मोस्ट वेलकम। विराज, वॉट कीप्स यू अप एट नाइट? Lot of things. I literally stay up at night very often. I'm not a very good sleeper. I'm very nocturnal. और अगर आप मुझसे पूछेंगे on an usual pattern, क्या वो चीजें जो मेरे दिमाग में चल रही होती हैं, आई थिंक सबसे बड़ा ख्याल मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि आज जो हम 500 क्लाइंट के साथ कर रहे हैं, वो हम 5,000 क्लाइंट के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ 5,000 क्लाइंट के साथ कब करना शुरू करेंगे। सो आई थिंक स्केल इज द बेस्ट थिंग दैट कीप्स मी अवेक, दैट व्हाट इज द आंसर टू स्केलिंग इन माय बिजनेस, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट। आई थिंक द सेकंड थिंग दैट कीप्स मी अवेक एट नाइट इज टू बी एबल टू गेट अ बेटर बैलेंस इन ऑल माय डायमेंशंस, व्हिच मींस दैट कभी कभी मैं लेट नाइट जब जागा होता हूँ तो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे कई बार होता है ऐसा कि एंड आई हैव सम वेरी गुड क्लोज फ्रेंड्स, एंड आज से 10 साल पहले शायद हम ज्यादा कम्युनिकेट करते थे, अब ये होता है दैट कभी कभी यू आर इन द मिडल ऑफ फ्लाइट्स, यू आर इन सम अदर सिटी, यू आर इन होटल रूम, एंड आई कनेक्ट विद देम, सो ऑफन ऑल्सो वॉट कीप्स मी अवेक एट नाइट इज अ गुड फ्रेंड हु आई मे नॉट हैव बीन इन टच विद फॉर मंथ्स, एंड वो करके बोलता है कि बॉस आज तेरे को पकड़ लिया, अब तू बात कर, कहाँ है, क्या कर रहा है, राइट? सो आई थिंक टू फाइंड दैट बैलेंस अ लिटिल बिट मोर पर्सनल एंड प्रोफेशनल। ओके, सम बुक रिकमेंडेशंस फॉर आर लिसनर्स? हम अभी थोड़ी देर पहले स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे थे। आई थिंक इन द लास्ट 5 years, वन बुक दैट आई हैव रेकमेंडेड रिपीटेडली इज अ बुक कॉल्ड सेपियंस, राइट? आई थिंक
कि स्टोरी टेलिंग क्यों साइकोलॉजिकली ज्यादा इम्पैक्ट करती है फैक्ट से, उसको समझने के लिए आई थिंक ये एक बुक है जो हम सबको पढ़नी चाहिए। एक बुक और है जो पुरानी है पर अभी भी उतनी ही रेलेवेंट है, वो भी मैं बहुत बार रेकमेंड करता हूँ, उसका नाम है नो इजी डे। ओके आजकल आजकल मतलब आप देखें अगर इन द लास्ट फ्यू इयर्स आई थिंक हम सब इस क्वेश्चन से स्ट्रगल कर रहे हैं कि अगर सब कुछ कभी भी बदल सकता है तो हम उसके लिए कैसे ज्यादा प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, प्लान रह सकते हैं। जैसे जब कोविड आया नहीं पता था कि पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, आगे जाकर कुछ और हो सकता है, बट द पॉइंट इज दैट हाउ डू वी मेक श्योर कि हम जो आज काम कर रहे हैं, जो बिजनेस बना रहे हैं, जो ब्रांड बना रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो रेलिवेंट रहे। तो आई थिंक नो इजी डे इज अ वेरी गुड बुक टू रीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्लान फॉर द अनफोर्सिएबल, वो चीजें जो नहीं दिखाई देती उसके अगेंस्ट कैसे प्लानिंग करनी है, वो समझने के लिए आई थिंक इससे अच्छी बुक कोई और नहीं लिखी हुई। एंड इट्स अ पर्सनल अकाउंट, इट्स अ बायोग्राफी, इट्स बीन रिटन बाय अ नेवी सील, ओके एंड दे द बुक टेल्स यू अबाउट हाउ नेवी सील्स प्लान फॉर देयर ऑपरेशंस, हाउ डू दे ट्राई टू डील विद थिंग्स दैट दे कैन नॉट सी बट दे स्टिल हैव टू प्लान फॉर। या दैट मॉडल इज अ ग्रेट मॉडल टू अप्लाई टू पर्सनल लाइफ, टू बिजनेस लाइफ, सो दैट्स अ गुड बुक टू रीड। एंड आई थिंक थर्ड इज एन ऑटोबायोग्राफी बाय वन ऑफ माई फेवरेट स्पोर्ट्स पीपल, द बुक इज कॉल्ड ओपन। ओपन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ आंद्रे एगसी, द टेनिस प्लेयर। ओके अगेन बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज बहुत इंस्पायरिंग है, बट आई थिंक एगसी की ऑटोबायोग्राफी बहुत रियल है। एक वो इंसान जो बिल्कुल ही रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी, कंप्लीटली सेल्फ मेड, एंड बहुत लाइक आई सेड बहुत सारे सेल्फ मेड रैग टू रिचेस स्टोरीज की ऑटोबायोग्राफीज हैं, पर वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं लिखी हुई जितने अच्छे तरीके से एगसी की बुक लिखी हुई है। तो उसमें 5-6 बहुत प्रैक्टिकल, फंक्शनल, लॉजिकल पॉइंट्स हैं जो अगर हम अप्लाई करें, और हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हम सब ज्यादा ग्रो करेंगे। सो आई थिंक दीज आर 3 बुक्स दैट आई वुड रेकमेंड, सेपियंस, नो इजी डे एंड ओपन। Awesome. Viraj, are you also writing a book? Yes, I am. I have been writing this book for the last 3 years. So, आप बोल रहे थे ना that what keeps me awake at night, and I was saying that a better balance between personal and professional. तो ये बुक हर साल उसका लॉन्च डेट चेंज हो रहा है, बट होपफुली, अब मैं होपफुली बोलता हूँ, डेफिनेटली नहीं बोलता, बट होपफुली 2022 अक्टूबर, सॉरी 2023 अक्टूबर इज वेन आई शुड बी एबल टू पुट इट आउट देयर। Awesome. We are waiting for it. What is it about? Well, in a nutshell, it is a series of stories. Yeah, so that's the nutshell. It's a series of stories, and each story has a learning for anybody who wants to become a successful leader. Okay. That That's sounds very interesting. what. I hope जल्दी से आए आपका बुक. Well, fingers crossed. Like I said, title frozen, cover frozen. स्टोरीज ऑल्सो देयर, अब बस उनको एक लिख के टाइप कास्ट करना है, वो नहीं हुआ है बस अभी तक। Do you believe in after life? यस, आई वॉन्ट टू बिलीव इन आफ्टर लाइफ। डू आई बिलीव? आई एम नॉट श्योर, बिकॉज बिलीव फॉर मी इन अ लॉट ऑफ वेज हैज टू बी ड्रिवन बाय सम रैशनल, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर, आप चाहे उसको ब्रेन बोले चाहे उसको सोल बोले, इतनी एनर्जी है, क्योंकि हम जब देखते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल डेविड गॉगिन्स, अगर आप उस इंसान को देखो, क्योंकि मैं रनर हूं तो आई एसोसिएट विद हिम दैट मच मोर, डेविड गॉगिन्स जैसे इंसान अपने बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं थ्रू देयर माइंड टू अचीव सो मच मोर देन यस व्हाट मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स ऑन द प्लैनेट आर एबल टू डू, व्हिच मींस दैट अ माइंड इज मच बिगर, मच स्ट्रॉन्गर देन आवर बॉडीज, which means that I hope that our mind does not finish with our body finishing. So body durability हो सकता है 90 से 100 साल, 70 से 100 साल हो, पर माइंड इतना पावरफुल है कि अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी भी सिर्फ 70 से 100 साल है तो व्हाट अ वेस्ट ऑफ अ गुड माइंड। सो आई होप दैट देयर इज एन आफ्टर लाइफ, आई होप दैट ये जो एनर्जी है इट इवेपोरेट्स इनटू अनदर डायमेंशन एंड देन अगेन कम्स बैक इन अनदर फॉर्म।
So I hope that is true, because I truly believe that our souls are just too powerful to finish so quickly. So there should be, I hope there is some continuity. So that's more a hope than a belief. course, because there is energy of a person that cannot go, because we feel even if the person is not there, we still feel the energy. So how will that evaporate all of a sudden? So I Correct. agree with that. Yeah. Correct. Yeah. So what changes do you want to see in this world? I think it's a good question. I mean, so many, but I think the top two or three would be, एक हमें थोड़ा सा रिवर्स पे जाने की जरूरत है. आई थिंक हम इस सिविलाइजेशन को, डिजिटाइजेशन को लेके इतना उसको हमने इतना जुनून बना लिया है कि वो एक प्रायोरिटी बन जाती है, एज अ प्री फेड प्रायोरिटी जो अपने बच्चों को भी फीड कर रहे हैं कि भाई लाइफ क्या होनी चाहिए. लाइफ अर्बन होनी चाहिए, बिल्डिंग्स होनी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, हॉलिडे का मतलब क्या है, मॉल्स, एनिमेशन पार्क्स, थीम पार्क्स, कॉन्क्रीट जंगल्स, कनेक्टिंग मोर विद नेचर, अंडरस्टैंडिंग दैट गुड लाइफ जरूरी नहीं है कि एक अच्छी जिंदगी सिर्फ सिटी में बनाई जा सकती है. अच्छी जिंदगी आप शायद आप इससे ज्यादा बेहतर जिंदगी फॉरेस्ट में बना सकते हो, फार्म पे बना सकते हो, आउटडोर में बना सकते हो. ये जो शहर की तरफ सब भागे जा रहे हैं ना, उससे आई थिंक थोड़ा पीछे हटना चाहिए. अगर आप देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि हमारे पास रूरल पॉपुलेशन है, हमारे पास लैंड है जिसके साथ हम बहुत कुछ और कर सकते हैं बिल्डिंग बनाने को छोड़ के. तो हमारे जो कुछ ट्रेडिशनल कन्वेंशनल प्रोफेशंस थे उनको बढ़ावा देना और हमारे विलेजेस को सिक्योर करना इस हद तक कि हम बोलेंगे विलेज लाइफ बेटर है सिटी लाइफ से, वो एक थोड़ा सा रिवर्स में जाना हमारे लिए जरूरी है. सो कनेक्टिंग मोर विद आर ट्रेडिशन, कनेक्टिंग मोर विद आर with nature is one thing I'd like to see happening definitely more of in India, and you need more of that in the world also. हमने नेचर को अपने बाप की जागीर समझ के बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया है, एंड उसको रिवर्स करने में बहुत साल लगेंगे और कुछ चीजें शायद रिवर्स नहीं हो सकती. पर आई थिंक जस्ट टू टीच आवर चिल्ड्रन अ लिटिल बिट मोर अबाउट हाउ टू कंजर्व नेचर एंड बी सॉरी फॉर giving them half the nature that they deserved in the form of oxygen, in the form of opportunities. मतलब बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, जानवर हैं जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन देख ही नहीं पाएगी क्योंकि उससे पहले एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, राइट? सो आई थिंक दैट वन बिग चेंज एट अ वेरी आज की डेट में ना, कंजर्विंग के बारे में, नेचुरल बैलेंसेस के बारे में लोग बात बहुत करते हैं बिकॉज इट्स फैशनेबल टू टॉक प्रोग्रेसिव. वो वोक हैशटैग वोक इज वेरी पॉपुलर, बट द पॉइंट इज नॉट टू जस्ट मेक इट कॉन्वर्सेशन बट एक्चुअली डू सब, चाहे छोटा करें. अगर हम सब भी कुछ थोड़ा थोड़ा छोटा एजेंडा लें और उसको एक्शन करें विच इज अबाउट कनेक्टिंग बैक विद नेचर, आई थिंक दैट बी वेरी, दैट इज समथिंग आई लाइक टू सी मोर ऑफ. कि भाई एवरीबडी अगर उनसे पूछा जाए एक जॉब इंटरव्यू में कि आप इस दुनिया के बारे में क्या कर रहे हो, ये इट शुड बिकम एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एवरी ह्यूमंस एनालिसिस इन एवरी इंटरव्यू कि इस साल तुमने क्या किया टू कंजर्व मोर. सो आई थिंक दैट इज नीडेड, दैट्स वन बिग वन. So are you also planning something to do like in a bigger scale, like कि मेरा like after 10 years or after 15 years I want to spend here, at least मैं दिन का हफ्ते का इतना टाइम इसको दूं, like you are really driven towards one thing कि मैं जब फ्री हो जाऊंगा तो मैं ज्यादा टाइम इस चीज को दूंगा, like whatever you तो मुझे ऐसा लगता था कि वो तब होना चाहिए जब, जैसे आप कह रहे हो, आज से 10-15 साल के बाद. पर आई थिंक विद एवरी पासिंग ईयर एक रियलाइजेशन जो होती है वो ये होती है कि जिंदगी का कुछ पता नहीं है ना, कि आज है कल नहीं है. तो आप 10-15 साल के बाद क्या करोगे इज नॉट रेलेवेंट. अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि इतनी रेलेवेंट है कि आप वो 10-15 साल के बाद डेफिनेटली करोगे, तो फाइंड वेज टू डू इट टूडे. राय ऑन ऑल्सो सो लाइक आई सेड, फॉर मी आउटडोर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हमारी आज भी
40% ऑफ द इनकम दैट वी मेक एज ओपन ब्रैकेट्स कम्स फ्रॉम डूइंग ट्रेनिंग्स इन द आउटडोर. सो ये हमारे बहुत सारे ऑफ साइट जो होते हैं, ये हम अपने कॉर्पोरेट्स, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, दे दीज आर सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड. सो वी टेल देम दैट टेक द बजट फ्रॉम योर CSR बजट फॉर दिस ट्रेनिंग, एंड इसको एक 5-स्टार होटल में करने की जगह लेट अस टेक यू टू अ फॉरेस्ट लॉज वेर वाह, कनेक्ट बैक विद नेचर. सो यू नो आफ्टर लाइफ स्पिरिचुअलिटी माइंडफुलनेस बेटर बैलेंस हाउ टू रिकनेक्ट विद नेचर, क्या वहां से वो ऐसी चीजें हैं जो हम सीख के वापस अपने काम पे लेके. मुझे सम ऑफ द बेस्ट लेसन इन लीडरशिप मेरे लिए कम फ्रॉम लायंस, कम फ्रॉम चिंपैंजीज, कम फ्रॉम वुल्व्स. ये तीन ऐसे जानवर हैं जिनसे अगर आप लीडरशिप के लेसन लेना शुरू करो तो कोई अंत नहीं है. एलिफेंट्स, ग्रेट व्हाइट शार्क्स. सो आई एम सेइंग दैट देयर इज जस्ट सो मच टू लर्न फ्रॉम नेचर दैट वी आर ट्राइंग टू मेक कनेक्शंस हैपन बिटवीन कॉर्पोरेट एंड नेचर एज ऑफन एज वी कैन. सो प्रोग्रेसिवली मेरा पर्सनल एजेंडा ये है दैट ये जो कोचिंग एंड ट्रेनिंग मैं आज करता हूँ या वर्चुअल एनवायरनमेंट में या एक 5-स्टार होटल में, उनमें से कितनी सारी ट्रेनिंग्स को मैं निकाल के आउटडोर में ले जा सकूं. दैट्स योर बेट. दैट्स माय बिग बिग या बैंग. या तो यू वॉन्ट मोर पीपल टू कनेक्ट फ्रॉम नेचर, ताकि करेक्ट, फिर उनका भी मन करे कि हाँ नेचर के लिए कुछ करे. एब्सोल्युटली. यू नो सो दैट वी अप्रिशिएट नेचर मोर, एंड लाइक यू सेड, इफ यस यू अप्रिशिएट इट मोर, वीड लाइक टू रिस्पेक्ट इट मोर, प्रोटेक्ट इट मोर. या 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 एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. ओके, इज देयर एनीथिंग लाइक रिसेंटली व्हिच यू कट ऑफ फ्रॉम योर लाइक सम डे लिस्ट, कि सम डे ये करूंगा एंड यू हैव रिसेंटली कट इट ऑफ? गुड क्वेश्चन. ऐसा क्या है जो समडे की लिस्ट में था जो अब हो गया? हाँ, सो एक चीज है, टिल 2021 मेरा एक कांस्टेंट स्ट्रगल ये होता था कि अपने आप को इस हद तक फ्री कर पाऊं कि साल में 200-250 दिन से ज्यादा काम नहीं करूं. क्योंकि 2021 तक ये होता था कि मेरा हर दिन कैलेंडर में किसी ना किसी चीज के लिए ब्लॉक्ड होता था, तो मैं कभी फ्री था ही नहीं. और बाय द वे, टिल 2019 आई यूज्ड टू थिंक के फ्री नहीं होना तो बहुत अच्छी बात है. बट आई थिंक 2021 जब मैंने कॉन्शियसली रियलाइज किया कि मैं कभी फ्री नहीं होता, तो मुझे लगा कि ये तो देन आई एम अ स्लेव अगेन. अगर मैं फ्री नहीं हूं तो इसका मतलब मैं स्लेव हूं ना, और अगर आप स्लेव हो तो इसका मतलब आपका टाइम आपका नहीं है, वो टाइम आपने किसी और को दिया हुआ है. सो आई थिंक 2021 ऑनवर्ड्स आई मेड इट अ पॉइंट के जिंदगी में एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना है जहां पे आप 200 दिन से ज्यादा डेफिनेटली काम ना करो. सो वन थिंग दैट आई बीन एबल टू अचीव 2022 में हुआ, मुझे लगा कि यार एक बार तो हो गया क्योंकि मैंने ठाना हुआ था कि फिर से कर पाओगे कि नहीं ये देखो. सो दिस ईयर अगेन व्हेन 2023 मार्च फिनिश्ड, आई डू दिस इन फाइनेंशियल ईयर साइकिल्स. So 2023 March finished, I realized that I've been able to do that again, where a minimum of 100 days of the year, I chose not to work. Yeah. So I think that's one thing I wanted to do someday. That has happened already. That's great. Okay, Viraj, last question. Who inspires you? Pritika, your number of followers on YouTube inspired me. Avi's constant zeal to keep putting out content out there year after year for the last 10 years inspires me. Elon Musk's risk-taking appetite and not caring a damn attitude inspires me. The way Steve Jobs inspired one whole generation and continues to inspire one more generation without even being there inspires me. My father's honesty inspires me. His simplicity inspires me. My wife's ability to do multiple things simultaneously inspires me. So I think I'm constantly inspired by multiple people all the time. So to choose one or two and say that these people inspire me, I don't think is good enough. I think, like I said, वो एक learner mindset है.
where you're constantly looking for what inspiration, what teaching, what learning can you get from people around you, then multiple things about multiple people inspire you. So I think I'm more like that. That's a wonderful answer. And actually, I think हम सबको ऐसा ही होना चाहिए कि we should get inspired from everything which is worth inspiring, you know, like छोटे छोटे चीजों से हम बहुत कुछ सीख करेक्ट सकते हैं. As you said कि learner mindset, that is all we need. करेक्ट Thank you so much, Viraj, for this conversation. I think this was one of the most intelligent conversation I have had in this podcast. So thank you so much for your Thank you, thank you. insights. And by the way, your questions were spot on. I mean, you're talking about intelligence. I say that answers automatically become better if the questions are intelligent. So kudos to you. Aapke sawal bahut hi acche the. Maza aaya. Thank you so much. Wish you all the best. Thank you so much, Viraj.